मोदी जी को 7 साल हो गए, कहाँ है अभी? 7 साल में तो बहुत विकास पैदा हो जाता, बहुत लंबे हो जाते, कहाँ है विकास? अभी तो इनका विकास ही पैदा नहीं हुआ, तो विकास पैदा ही नहीं हुआ। अगर शिक्षा की बात करें तो 2017 के अंदर यूपी टेट का और नीट का, पैट का, यूपी पीसीएल का और ट्रिपल एसबी का और आपका तमाम तरह के पेपर लीक कराया गया। और अब इनकी सरकार क्या करती है, पहले पेपर लीक कराती है, फिर सरकारी डिपार्टमेंट को कमजोर बताती है और फिर हमारे सामने बोलती है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट कमजोर हो गया, इसको बेच दे। और बेचती किनके हाथों में है? जब चुनाव होते हैं वो चुनाव के दौर पर अपने यार दोस्तों से पैसा लेकर के चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, फिर उनको उन कंपनियों को बेच देते हैं लाखों करोड़ के मुनाफे पर। तो वीडियो में बोले गए शब्द वक्ता द्वारा खुद के अपने व्यक्तिगत विचार हैं, जिससे सुपर जस्टिस न्यूज चैनल का कोई भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के रामलीला मैदान में, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जो है अपनी चुनावी रैली करने आए थे। और यहां पर देखने को मिला काफी मात्रा में जो हुजूम उमड़ा हुआ था और सर्व समाज के लोग यहां पर मौजूद थे, जैसे कि अभी हमारे साथ हैं ब्राह्मण समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, बागपत से आए हैं, तो इनसे हम कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू कौशिक है, मैं जनपद बागपत से हूँ। तो जैसा कि अभी यहाँ पर देखने को मिला बहुजन समाज के साथ सर्व समाज का जो है यहाँ पर उमड़ा हुआ था, तो उसमें बहन कुमारी मायावती जैसे चुनावी वादे कर रही हैं, तो अन्य तमाम पार्टियाँ भी लगी हुई हैं तमाम, तो उसमें अब क्या रोल रहेगा बसपा का? बसपा का तो रोल रहेगा, बसपा सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और ब्राह्मण समाज भी मैं जहाँ तक सोच रहे हैं, जहाँ तक हम प्रयास कर रहे हैं, 80% बीएसपी के साथ है। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी भी, उन्होंने भी दिन रात मेहनत करके ब्राह्मण समाज को बीएसपी की मूवमेंट के साथ जोड़ने का काम किया है। तो सर जैसे पूर्ण बहुमत की बात जो कर रहे हैं, वो तो बीजेपी भी कर रही है कि हम 300 से पार चली जाएंगे, पूर्ण बहुमत लाएंगे हम, तो बिल्कुल, बिल्कुल 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 कर रही है। आपने देखा होगा कि पिछले 2007 के चुनाव में भी हमें मीडिया कहीं नहीं दिखा रही थी, लेकिन जब एग्जिट पोल ये सब धरे रह गए, जिस टाइम पोलिंग बूथ खुला, सबके आंकड़े सब ध्वस्त हो गए और उन्होंने पूर्ण बहुमत में 2012 की सरकार बनाई। अच्छा, जैसे कि अभी जो है बहन कुमारी मायावती अभी चुनावी रैलियां नहीं कर रही थी, तो काफ़ी जो है सवाल बन रहे थे मीडिया में भी और अन्य तमाम पार्टियां भी कह रही थी कि बहन जी कहाँ है, उनकी ठंड नहीं उतरी है, घर से निकले, तो उस पर क्या कहेंगे आप? बहन जी जब जब समय आता है ना काम करने का, तब तब अपने सिस्टम को बिल्कुल मजबूती से लेती है। और बहन जी का इतना मजबूत सेक्टर, बूथ बहुत मजबूत है और हम लोग मिशनरी कार्यकर्ता हैं, उन मिशन के साथ बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और बहन जी को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने वोटरों पर, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए बहन जी जब जब समय आता है तब तब तूफानी दौरे प्रदेश के अंदर और अन्य प्रदेशों में भी करती हैं। तो सर एक सवाल ये है कि जब पिछली सरकार जो दावा कर रही है कि हमारी सरकार के अंदर अंतर्गत बेटियां सुरक्षित थी, रोजगार को रोजगार दिया गया, तो उसके बावजूद अन्य सरकार बदलने की जरूरत क्या पड़ी? सरकार बदलने की जरूरत है क्योंकि ये जुमलेबाजों की सरकार है। देखो आप जो हमारे गृह मंत्री हैं हर बात में कहते हैं, तो जुमला था, आपने देखा होगा कि आज इस सरकार में गुंडागिर्दी माफियागिर्दी तमाम चल रही है, लेकिन जो अपराध हो रहे हैं वे रजिस्टर्ड नहीं हो रहे हैं। मैं भी अभी भुक्तभोगी हूँ, मेरी 15 जनवरी को बदमाश मेरे को पिस्टल लड़ा के गाड़ी लूट के ले गए, मेरी स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो लूट के ले गए, तो कहाँ का रह गया? लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार सब हो रहे हैं। मेरा गाँव बसी अभी परसों 2 मर्डर हुए हैं, तो कहाँ अपराध कम हो गया? ना चोरी कम हुई है, सिर्फ कम कहाँ हुआ है कि वे अपराध जो हो रहे हैं वे लिखे नहीं जा रहे, रजिस्टरों के अंदर अंकित नहीं किए जा रहे हैं, FIR नहीं हो रही है। आदमी सरकारी दफ्तरों के दफ्तर लगाता थक जाता है और उनकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन एक सरकार माननीय बहन जी की भी थी, जब आदेश होता था 2 बजे तक कोई भी SPO या DM कोई भी जिले का अधिकारी जिला नहीं छोड़ता था और अपने समय तक 2 बजे तक ऑफिस में बैठता था। आज अगर 11 बजे भी किसी ऑफिस में जाओ कोई अधिकारी मौजूद नहीं मिलेंगे, ना ही किसी का काम होगा। एक का काम जो काम 100 रुपये में होता था, आज इस भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में वही काम 10,000 रुपये में हो रहा है। लोगों की जेबें कट रही हैं, काम नहीं हो रहे, और आप देख रहे हो रोजी रोटी का माहौल है। आपने देखा होगा अभी इस कोरोना बीमारी के कारण जो 20 रुपये 50 रुपये किलो का तेल था, आज 200 रुपये किलो बनने हैं, काम बिक रहा है। आज एक गरीब को छोंक लगाने के लिए जिसके घर में ज़रूरी है, एक सब्जी बनाने के लिए सरसों का तेल, उसका आप कीमत देख लीजिए। ये नहीं है पेट्रोल डीजल सरसों का तेल, हर चीज़ में वृद्धि हुई है, हर चीज़ आज 100 गुना बढ़ी हुई है। तो सर जैसे पेट्रोल डीजल के दाम जो आप बता रहे हैं, वो तो जो बीजेपी समर्थन है वो तो बोल रहे हैं 300 दाम हो जाए तब भी हमें कोई दिक्कत। अरे वे तो वे अंधभक्त हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं पड़ रहा, लेकिन वे ये नहीं भूल रहे कि जो 300 का पेट्रोल हम लेंगे वो भी वो लेगा, लेकिन एक मध्यम वर्ग भी है, गरीब वर्ग भी है, वो क्या करेगा? वो तो मीडिया से ये बोलते हैं कि हमें 300 पार भी दे दो पर देश सुरक्षित है मोदी के हाथ में। कोई देश सुरक्षित नहीं है, अभी देश कहाँ सुरक्षित है? देश की सेना सुरक्षित नहीं है, देश की सेना सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए जब जब दंगा होता है, जब जब चुनाव आते हैं, अभी देखो पीछे से कितने हमारे सेना मरी है, कितने हमारा क्या, कहाँ सुरक्षित?
सुरक्षित है। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, तो उनसे क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आवेश कुमार है और मैं 52 बागपत से हूँ और मैं वहाँ पर जिला प्रभारी काम कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी यहाँ पर जो जन सैलाब उमड़ा था उसके बावजूद अभी काफ़ी तमाम सवाल जवाब हो रहे हैं मीडिया के अंदर भी, और जो अलग अलग समर्थन जो अलग अलग बातें कर रहे हैं कि हमारी पार्टी आएगी, तो आप इस बात का दावा कैसे कर सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है? देखिए, जब 2007 से 12 का शासनकाल बहन कुमारी मायावती जी का रहा, उस शासनकाल में शिक्षा पर काम किया गया, स्वास्थ्य पर काम किया गया, रोजगार पर काम किया गया, सड़क बिजली पानी पर काम किया गया, सभी लोगों के मान सम्मान पर काम किया गया। इसीलिए अब युवा इस बात को समझ चुका है कि ये जो दूसरी पार्टियां हैं ये सिर्फ हवा हवाई बातें करती है, और माननीय बहन कुमारी मायावती का शासनकाल स्वर्णिम दिन था। इसलिए सभी युवा साथी जिनके कंधों पर इस समाज का बोझ होता है, वो चाहते हैं कि बहन जी का शासन वापस आए और वो इस बार माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी तरीके से युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। अच्छा, तो एक सवाल ये भी बनता है कि आप तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और साथ में ही आप सेक्टर भी संभाल रहे हैं, तो कहीं उसमें ही आप इस बात को बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी बनेगी, अन्य तमाम और भी समाज के लोग हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करेंगे? बिल्कुल सर, मैंने अभी हमारे बड़े भाई है वो ब्राह्मण समाज से है, वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे दूसरे भाई है ये भी हमारे साथ में मुस्लिम समाज से है। ऐसा नहीं है कि ये बहुजन समाज पार्टी सर्व जिन हिताय और सर्व जन सुखाय का नारा जो देती है उसके अंदर सर्व समाज के लोग मैं माननीय बहन कुमारी मायावती की आइडियोलॉजी से प्रभावित है और उस आइडियोलॉजी को मानते हैं। इसीलिए सिर्फ अब एक दलित वोट ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में नहीं जुड़ा, सर्व समाज के लोग बहन जी को याद कर रहे हैं और बहन जी की शासनकाल वापस लाना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी पश्चिमी उत्तर से शुरू किया, जो योगी जी ने रैलियां शुरू की हैं, वहाँ से दावा किया जा रहा है कि आपकी दोबारा से जो धूल चलेगी पश्चिमी उत्तर से चलेगी, वो तो उसमें क्या मतलब कितना वोट मिलेगा आपको पश्चिमी उत्तर से? देखिए, योगी का जो शासनकाल रहा उसमें आपको मैं बता दूँ, अगर शिक्षा की बात करें तो 2017 के अंदर यूपी टेट का और नीट का, पैट का, यूपी पीसीएल का और SSSB का और आपका तमाम तरह के पेपर लीक कराया गया। और अब इनकी सरकार क्या करती है, पहले पेपर लीक कराती है, फिर सरकारी डिपार्टमेंट को कमजोर बताती है और फिर हमारे सामने बोलती है कि ये सरकारी डिपार्टमेंट कमजोर हो गया, इसको बेच दे। और बेचती किनके हाथों में है? जब चुनाव होते हैं वो चुनाव के दौर पर अपने यार दोस्तों से पैसा लेकर के चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, फिर उनको उन कंपनियों को बेच देते हैं लाखों करोड़ के मुनाफे पर। तो आप इस बात को युवा समझते हैं, इनकी विचारधारा को सब लोग समझते हैं, इन्होंने धर्म के नाम पर कितने लोगों को लड़ाया, कितनी हिंदू मुस्लिम कराई, ये सब जान चुके हैं। तो इनकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे गली गली घूम लीजिए। और ओनली योगी की बात नहीं है, केंद्र में जो बैठे मंत्री है उनको प्रचार मंत्री बना दिया गया है। आप देखिए, अमित शाह यहाँ पर घूम रहे हैं, तमाम तरह के जो बहुत जो सीनियर उनके लीडर है, जो पद पर है, वो सारे के सारे गली गली उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, अभी नोएडा के अंदर अमित शाह जी घूम रहे थे और बाबू हुकुम सिंह जी थे जिनको गुजरों के उनको महापुरुष माना जाता है, उनकी माला अर्पण करने से उनको उन्होंने मना कर दिया। तो ये दूसरे समाजों का ओनली इंसल्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो सर, जैसे कि अभी योगी मोदी कहते हैं जो वादा किया वो पूरा किया, जैसे 370 हो गया या बल तलाक हो गया या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो गया, कुछ नहीं करा योगी मोदी ने, सिर्फ जो है एक अपना एक जातिवाद की राजनीति करी है उन्होंने और कुछ नहीं करा। 370 हटाई, ठीक है, उसका समर्थन BSP ने भी करा है, और राम मंदिर का जो है वो तो मुस्लिम भी चाह रहे थे कि ये जो झगड़ा खत्म हो जाए एक बार, ये अच्छा हुआ, इसका समर्थन हम भी करते हैं। ये उन्होंने थोड़ी करा, सुप्रीम कोर्ट ने कराए तो ये मोदी योगी ने थोड़ी करा, हम भी चाह रहे थे कि ये लफड़ा खत्म हो, कितने बेकसूर मारे गए, कुछ हो गए, वहाँ मंदिर बन गया, हमें ऐतराज भी नहीं है कुछ भी। और BSP ने मुस्लिम समाज को जितने परसेंट की उनको सीट दी, आज जितने कैंडिडेट हैं वो BSP से हैं मुस्लिम समाज के, और मुस्लिम समाज को समझ रहे हैं इस बात को कि अगर कोई हितैषी पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, और सबसे ज़्यादा टिकट जो मुस्लिम समाज को दिए वो BSP ने दिए हैं, क्षेत्र के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। तो अब BSP जैसे दावा कर रही है सरकार बनाने का, तो कितनी सीटें जो है उत्तर प्रदेश के अंदर BSP लाएगी? बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से 2007 का इतिहास दोहराने जा रही है, उस टाइम 203 थे, तो इस बार 250 प्लस सीट हमारी आ रही है। तो इस बात में जैसे कि और पार्टियां भी दावा कर रही हैं, अखिलेश यादव भी दावा कर रहे हैं कि हम 300 पार लाएंगे, योगी जी भी बोल रहे हैं हम 300 पार लाएंगे, तो इसमें अब सवाल बनता है कि अदर पार्टियां कितनी कितनी सीट लाएंगी फिर अगर ये 300 लाएंगे तो? देखिए,
वे हवा हवाई वादे हैं, उनके हवाई खोखले वादे हैं। यदि सपा की बात करें, अखिलेश जी की बात करें, तो 5 साल में जो उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी 12 से 17 के बीच में, कोई इस तरह का कोई विकास के कार्य या किसी भी तरह का कोई काम नहीं किया है जिससे कि उनको जनता स्वीकार है दोबारा, ऐसा नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन आदरणीय के नेतृत्व में जब भी गवर्नमेंट चली है, 4 बार की गवर्नमेंट चली और 5वीं बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, और आप देखना इस प्रदेश की दिशा और दशा इसके माननीय बहन जी अगले 5 साल में बदल के रख देंगी, और सभी सर्व समाज को माननीय बहन जी साथ लेकर के चलते हैं। वो तो योगी जी भी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 सिटी बना दिया। सिर्फ विकास के नाम पर विकास है कहाँ? मोदी जी को 7 साल हो गए, कहाँ है अभी? 7 साल में तो बहुत विकास पैदा हो जाए, बहुत लंबे हो जाते, कहाँ है विकास? अभी तो इनका विकास ही है, कहाँ तो विकास पैदा ही नहीं हुआ। योगी जी कह रहे हैं 5 साल, और रही अब बात योगी जी की, योगी जी तो अगले 10 आने वाली 10 मार्च में आप देख लेना, 10 मार्च में योगी जी अपने मठ में नजर आएंगे गोरखपुर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर सर्व समाज के लोग जो है बसपा के साथ जुड़े हुए हैं और पूर्ण बहुमत के साथ बसपा पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है इस बात का दावा कर रहे हैं।